So our next question is, prove that sine of x plus y upon sine of x minus y equal to tan x plus tan y divided by tan x minus 10. Okay, so here we simply put the value of sine of a plus b, apply the formula sine of a plus b and then sine of a minus b. Okay, so on LHS we consider the LHS sine of x plus y upon sine of x minus y. Okay, so we have the formula sine of a plus b equal to sine a cos b plus cos a sine b, and next formula is sine of a minus b. This will be sine a cos b minus cos a into sine. Okay, so sine a cos b minus cos a into sine. Okay, so we are putting these formulas, we get sine x into cos y plus cos x into sine y divided by sine x into cos y minus cos x into sine. Okay, for proving this or converting this into tan, we have to divide the numerator and denominator by cos x into cos y. Okay, so we get sine x cos y divided by cos x cos y plus cos x sine y divided by cos x cos y upon sine x cos y cos x cos y minus cos x sine y divided by cos x cos y. Okay, so cos y will get cancelled here, cos x cancel, cos y cancel, cos x. So what we get? We get sine x upon cos x will be tan x plus tan y divided by tan x minus tan y, and this equal to RHS. Okay, this equal to RHS. So this is the proof of this equation. Okay, prove that tan 3x into tan 2x into tan x equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x. Okay, this we have to prove. Okay, this we have to prove. That is, प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में हमको, दैट इज टू प्रूव tan 3x minus tan 2x
minus tan x minus tan of 3x tan of 2x tan of x equal to 0। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो काफी बड़ा है, बट ऐसे बड़े वाले फॉर्मूले हमने कुछ पढ़े हुए। कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं वो हम देख रहे हैं। देखो ये सारी चीजें तभी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो जब जितने फॉर्मूले मैंने कराया उनको बिल्कुल रट्टा मारो। ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई टॉपिक नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री से हार्ड भी कोई टॉपिक नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आसान कब होगा, जब तुम इसके सारे फॉर्मूले को टिप ऑफ टंग कर लोगे, बिल्कुल उनको रट्टा मार लोगे। क्योंकि रट्टा मारने से क्या होगा, याद करने से क्या? देखो प्रूफ तो मैंने करा दिया, कितने फॉर्मूले थे, अभी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले हमारे खत्म हो गए। अभी बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में मैंने 7-8 फॉर्मूले कराया होगा, बट जितने भी फॉर्मूले कराया इतने पे ही बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो कब हो पाएगा, वो तब होगा जब तुम उन सारे फॉर्मूले को याद कर, सारे फॉर्मूले को याद कर लोगे तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, तब तुमको समझ में आएगा हाँ इसमें ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। मीन्स अगर तुमने फॉर्मूला याद किया ही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो स्टूडेंट अटेंड नहीं भी किया है उनके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखा है, तो उनको अच्छे से देखो, सारे फॉर्मूले की पूरी लिस्ट बनाओ और सबको लाइन से याद करते जाओ। अभी शुरुआत में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने 7-8 फॉर्मूले कर रखा है, उसको तुम आराम से आज के दिन में याद कर सकते। याद कर लोगे तो जब उस टाइप से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करना इजी। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कैसे आ रहा है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, मतलब एक a है, दूसरा b है और तीसरा c है। ठीक है, अब a b c वाला tan का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हमारा tan of a plus b plus c, ये बनता है हमारा tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan c into tan a। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जो सबसे बड़ा है वो है tan का फॉर्मूला, और यहाँ पर tan के तीन टर्म है, एक जगह 3x, दूसरी जगह 2x, तीसरी जगह x, मतलब एक जगह a, दूसरी जगह b, तीसरी जगह c। तो क्या करेंगे, put a equal to 3x, b equal to minus 2x, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, एंड c equal to minus x। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, हमारी कंडीशन है tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, हम इसी का यूज करें। तो क्या बन गया, tan ऑफ dx माइनस 2x माइनस x बन गया, b की जगह माइनस 2x, c की जगह माइनस x इक्वल टू tan 3x tan of minus 2x tan of minus x minus tan 3x tan of minus 2x tan of minus x divided by 1 minus tan 3x tan of minus 2x minus tan of minus 2x tan of minus x minus tan of minus x tan of क्या बन जाएगा, tan a हो गया ना, tan of 3x। ठीक है, तो tan of 3x क्या,
ये हमारा एक्स होगा, यहाँ लिखने में नहीं आ पा रहा, ठीक है मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख ले रहा हूँ। लिमिटेशन हो गया है, टेन ऑफ माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ थ्री एक्स, ठीक है। तो अब देखो राइट साइड में क्या बनेगा, मैं दोबारा उस पेज में रिटर्न हो जाऊंगा। तो हमारे पास बन गया, लेफ्ट साइड में हो गया टेन जीरो, क्यों देखो यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स मतलब जीरो हो गया, इक्वल टू टेन ऑफ थ्री एक्स माइनस टेन ऑफ टू एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन, इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस और एक बाहर में माइनस है, तो बन गया माइनस टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स, लिख रहे हैं तो पूरा ही लिखेंगे, वन प्लस टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स, क्यों क्योंकि टेन ऑफ माइनस टू एक्स क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बट बाहर में लगा माइनस, तो ये हमारे पास बन गया माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्लस टेन एक्स इंटू टेन, तो लेफ्ट साइड पूरा बन गया जीरो, जीरो बन गया तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया, हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन, तो दिस इज द रिजल्ट। फॉर्मूला बड़ा है तो क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड वाला बड़ा ही होगा, बट एक ही है फॉर्मूला टेन का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर याद करो तो सारे क्वेश्चन इजिली हो जाए, ठीक है नोट करो। प्रूव दैट cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x equal to square root of 2 into cos x, ठीक है। तो देखो यहां पर भी वैसे ही फॉर्मूले लग रहे हैं, पहला फॉर्मूला हमारा लग रहा है cos of a plus b means cos a cos b minus sin a into sin, दूसरा है cos of a minus b cos a cos b plus sin a into sin, ठीक है। so LHS will be सेम है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो हमारे पास बन जाएगा कॉस पाई बाय फोर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाय फोर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाय फोर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाय फोर इंटू साइन, प्लस माइनस कैंसल, हमारे पास बन गया टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय फोर इंटू कॉस, तो टू इंटू कॉस पाई बाय फोर मतलब कॉस फोर्टी फाइव,
cos 45 is 1 upon root 2, 1 upon root 2 into cos x. So this will be root 2 into cos. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. ठीक है, एक्सरसाइज 3.3. अब आज से हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1/2. ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. देखो पाई का मतलब 180, तो पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, सो LHS विल बी साइन स्क्वायर पाई बाय 6 means sin square 30 degree, cos square 60 degree, tan square 45 degree. जब मैंने कराया था ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने टेबल भी बना दिया था, 0, 30, 45, 60, 90 मैंने सबका टेबल बना के दिया था. तो अगर याद ना हो तो अपने नोटबुक में पेज पलट के उन टेबल से वैल्यू को देख सकते हो. ठीक है, sin square 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. So this will be 1 upon 2 whole square, cos 60 root 3/2 whole square, tan 45 1 square. So this will be 1/4 plus 3/4 minus 1. cos 60 भी तो बनेगा 1/2 ही बनेगा ना. सॉरी, तो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 1/2 एंड दिस इक्वल टू. या नेक्स्ट सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न है. जिसको नोट करना है तब तक 1 को नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं. ठीक है, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2. ठीक है, तो LHS को कंसिडर करते हैं. 2 इंटू साइन पाई बाय 6 मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 7 इंटू 30 डिग्री. ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 60, सो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या बन रहा है, ये बन गया 210 डिग्री इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर. सो 2 इंटू 1/4 कोसेक 210 मतलब 180 प्लस 30, तो cosec स्क्वायर 180 प्लस 30 इंटू 1/4. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कट गया 2. ठीक है, सो दिस विल बी 1/2 प्लस, अब देखो cosec 180 प्लस थीटा,
कोसेक 180 प्लस थीटा क्या बनता है? कोसेक 180 प्लस थीटा दिस इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये मैंने जब क्वाड्रेंट कन्वर्जन कराया था वहां मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी माइनस कोसेक 30 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, और इनटू 1/4। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, सो दिस विल बी 1/2 प्लस यहां पे बना माइनस 2 का स्क्वायर इनटू 1/4, तो ये हमारे पास ओवरऑल टर्म बना 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाय 6 cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6, ठीक है। सो वी कंसीडर LHS. cot स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 5 पाई बाय 6 मतलब 5 इंटू 30 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 की वैल्यू हो गई √3, तो √3 का स्क्वायर 2 नहीं है वहां पे cosec 180 माइनस 30 3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर, सो 3 प्लस क्या बना सेकेंड क्वाड्रेंट cosec 30 प्लस 3 इंटू 1/3 कैंसल हो गया, तो 3 प्लस 1 यहाँ पे 2 भी होना चाहिए, 3 प्लस 1 5/6 ये बनेगा 3 प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू, ठीक है। सो 3 हो सके